तो देखो, मैंने बताया परिवार क्षेत्र की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे फर्मों की विशेषताएं। तुम्हें मालूम है ना, मैं दो क्षेत्र के अंदर आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ा रहा हूं। मैंने तुम्हें बताया कि किस तरह से परिवार क्षेत्र और फर्म दोनों मिलकर काम करते हैं। फर्में चीजों को बनाता जाता है और परिवार क्षेत्र उस चीज का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। फर्में किसी भी चीज को बनाती है और परिवार क्षेत्र उस चीज का क्या करता है, उपभोग करता है। बदले में क्या देता है, पैसा। ठीक है, तो मैंने कैपिटल ए टॉपिक में तुम्हें बताया था परिवार क्षेत्र की विशेषताएं। अब मैं कैपिटल बी टॉपिक में बताऊंगा फर्मों की विशेषताएं कि आखिर फर्में क्या करती हैं। हालांकि तुम्हें मालूम है, लिखो फर्मों की विशेषताएं। फर्मों की विशेषताएं, पहली विशेषता देखो, बहुत ही आसान है। मुझे बताओ, तुम्हें मालूम है ना, परिवार क्षेत्र जो है वो वस्तुओं को खरीदता है। परिवार क्षेत्र किसी भी सेवा को खरीदता है। अगर अगर देश के अंदर ये सेवाएं बने ही ना, अगर ये वस्तुएं बने ही ना, तो क्या परिवार क्षेत्र खरीद पाएगा? नहीं। और इन वस्तुओं और सेवाओं का बनाने का काम करता कौन है? फर्मी तो करती है। बताओ, मैं सेवा बना रहा हूं और तुम सेवा को खरीद रहे हो, समझ रहे हो ना? तो मैं क्या माना जाऊंगा, फर्म, और तुम क्या माने जाओगे, परिवार। ठीक है, लिखो नंबर 1, फर्में परिवार क्षेत्र को, फर्में परिवार क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं, फर्में परिवार क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करके देती हैं। बताओ, क्या फर्में फ्री में देती हैं? क्या परिवार उनसे फ्री में खरीदता है? नहीं। तुम उससे सेवा खरीद रहे हो, क्या मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूं? नहीं। क्या तुम मुझसे ये सेवा फ्री में खरीद रहे हो? नहीं, पैसे हैं भाई, है ना? फर्में परिवार क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करके देती हैं और इसके बदले आय प्राप्त करती हैं। जितनी भी फर्में, वो बदले में क्या लेती हैं, पैसा। बदले में क्या लेती हैं भाई, पैसा। और बदले में आय प्राप्त करती हैं, बदले में आय प्राप्त करती हैं, आय प्राप्त करती हैं। ठीक है, तुम्हें मालूम है ना, वस्तुओं को और वस्तुओं को सेवाओं को बनाने के लिए मजदूर चाहिए, पैसा चाहिए, है ना? किराए के लिए, किराए का एक मकान चाहिए या जगह चाहिए, ये सारी चीजें भी तो फर्म इस्तेमाल करती हैं। तो लिखो नंबर 2 में, लिखो फर्में परिवार क्षेत्र से, फर्में परिवार क्षेत्र से साधन प्राप्त करती हैं। ये लिखो, फर्में परिवार क्षेत्र से उत्पादन के साधन प्राप्त करती हैं। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन मतलब भूमि हो गई, मजदूर हो गए, पैसा हो गया, ये सारी चीजें परिवार से ही तो मिलती हैं। फर्में परिवार क्षेत्र से उत्पादन के साधन प्राप्त करती हैं, उत्पादन के साधन प्राप्त करती हैं, उत्पादन के साधन प्राप्त करती हैं। और क्या फर्में फ्री में करती हैं? नहीं। जमीन के बदले क्या देती है, लगान। मजदूर के बदले क्या देती हैं फर्में, मजदूरी, समझ रहे हो ना? और पैसे के बदले क्या देती है, ब्याज। हर एक चीज के बदले में कुछ मिलता है। तो लिखो तीसरी विशेषता, लिखो फर्में साधनों का भुगतान भी करती हैं। फर्में साधनों का भुगतान भी करती हैं।
साधनों का भुगतान भी करती हैं। ठीक है, तो कोई सी भी चीज वो फोकट में नहीं ले रही है फर में। अगर तुम उन्हें मजदूर दे रहे हो तो बदले में वो तुम्हें क्या देंगी? मजदूरी। अगर तुम उन्हें भूमि दे रहे हो तो बदले में वो क्या तुम्हें देंगी? लगान। लगान मतलब किराया। अगर तुम उन्हें पूंजी दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो पैसे के बदले वो तुम्हें क्या देंगे? ब्याज। तो फर में किसी का खाते नहीं है, बदले में देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खा के बैठ गए, पैसे खा के बैठ गए, बदले में कुछ ना कुछ वो तुम्हें देते ही देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा, कोई किसी का नहीं लेता आज के समय में, सबके सब एक दूसरे को दे देते हैं जिसका लिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखना। देखो, अगला हेडिंग पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊंगा। ठीक है, एक कौन सा क्षेत्र है हमारे पास अभी तक? परिवार। परिवार क्षेत्र। और एक कौन सा क्षेत्र है? फर्म। ये चीजों को बना रहा है और ये चीजों को खरीद रहा है। इसको बनाने के लिए मजदूर चाहिए, कौन देगा? परिवार। इसको बनाने के लिए जगह चाहिए, भूमि चाहिए, कौन देगा? परिवार। इसको बनाने के लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, सबसे बड़ी चीज पैसा, कौन देगा? परिवार। एक पॉइंट को जरा ध्यान से सुनो, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। मुझे बताओ, परिवार क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक परिवार आता है या पूरे देश के सारे लोग आते हैं? भाई, परिवार क्षेत्र के अंदर देश के सारे लोग आ गए। भाई, अगर एक कारखाना खोला गया, मान लो चीनी की कोई फैक्ट्री खोली गई, और चीनी की फैक्ट्री में तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पहले पहले तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा मांगने के लिए क्या तुम घर घर जाओगे? आपके पास कुछ पैसा है, दे दीजिए मुझे। आपके घर कुछ पैसा है, दे दीजिए मुझे। मुझे चीनी की फैक्ट्री में जरूरत है, मुझे चीनी की फैक्ट्री में जरूरत है। नहीं, कोई सी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाला कभी भी घर घर जाकर पैसे नहीं मांगेगा। माना कि फर्मों को जो पूंजी मिलेगी वो किससे मिलेगी? परिवार से मिलेगी। लेकिन एक देश के अंदर लाखों परिवार होते हैं, और लाखों परिवार को के पास जाकर पैसा इकट्ठा करना, वो तो मर जाएगा बंदा। उसकी फैक्ट्री तो चल ली, फिर उसकी फैक्ट्री तो चल गई, वो खुद नहीं चल पाएगा, फैक्ट्री क्या खाक चलेगी उसकी। मुझे बताओ, फर्म में लोगों के पास नहीं जाएगा। इन दोनों के बीच में मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इन दोनों के बीच में एक नया सिस्टम और है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बैंक के नाम से। अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ, परिवार बचत करता है ना, ये क्या करना पसंद करते हैं परिवार के लोग? बचत। बचत समझते हो? सेविंग। मान लो तुम्हें घर से 1,000 रुपए मिले, तुमने 800 रुपए मुझे फीस दे दी, और 200 रुपए की क्या कर ली? बचत कर ली। मान लो तुम्हारे पापा को अपनी कंपनी में 10,000 रुपए मिले सैलरी के तौर पर। कितने रुपए मिले? 10,000 रुपए, या चलो अमीर कर देते हैं, 70,000 रुपए मिले, 70,000। कितने रुपए मिले? 70,000। तुम्हारे पापा बड़े समझदार इंसान है, तुम्हारी तरह नहीं है, तुम तो एक नंबर के नालायक हो। तुम्हारे पापा बड़े समझदार हैं, उन्होंने क्या करा, 50,000 रुपए खर्चे के लिए निकाले, बाकी के 20,000। भाई, 70,000 में से 50,000 रुपए किस चीज के लिए निकाल लिए? खर्चे के लिए, अपने घर वगैरह के खर्चों के लिए।
बच्चों की फीस के लिए, घर के राशन के लिए, कपड़ों के लिए, और भी बहुत सारे काम है, ठीक है। 50,000 रुपए खर्चों के लिए निकाले, बाकी के 20,000 रुपए क्या करे, बचत। मुझे बताओ घर में रखेंगे क्या? नहीं। ये बचत के पैसे वो कहां पर जाकर देंगे? ये बचत के पैसे वो कहां पर जाकर जमा करवा देंगे? बैंक में। और सिर्फ एक परिवार वाला ऐसा करता है, ये देश के अंदर ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं, बचत करते हैं और कहां पर जमा करवाते हैं? बैंक में। फिर बचत करते हैं और कहां पर जमा करवाते हैं? बैंक में। अब जरा फर्मों की बात करते हैं। फर्मों को धंधा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। लेकिन ये पैसा परिवार के पास जाकर नहीं मांगेंगे, ये पैसा किसके पास जाकर मांगेंगे? बैंकों के पास। तुम्हें मालूम है ना, बैंक लोन देती है। बैंक बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े कारखानों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को क्या देती है? ब्याज पर लोन देती है। नहीं देती क्या? और जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, छोटे काम में भी लोन देती है वो। आजकल तो एजुकेशन लोन है, मैरिज लोन है, गोल्ड लोन, पता नहीं कौन कौन से लोन है, हमें तो पता भी नहीं है। तो बैंकों के पास से ये पैसा किसके पास चला गया? फर्मों के। एरो समझ रहे हो ना? देखो वोट पे हो क्या रहा है। परिवार ने जो पैसा बचत करा, वो बचत का पैसा बैंकों के पास गया। बैंक बैंक क्या करते हैं? बैंक बहुत सारे लोगों का पैसा अपने पास बचा कर रखते हैं, और फिर उस पैसे को किसको दे देते हैं? फर्मों को। किस नाम से जाना जाता है ये वाली चीज? किस नाम से जानी जाती है? उधार। क्या दे दिया? उधार। बताओ बदले में बैंक ब्याज वसूल करती है या नहीं करती है? तुम क्या बैंक के रिश्तेदार लग रहे हो जो तुम्हें उधार फ्री में दे देगी? नहीं। बैंक बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा इन्वेस्ट करती है, लेकिन किस पर? ब्याज पर। बदले में वो तुमसे क्या वसूलेगी भाई? ब्याज। और अगर समय पर तुमने उसका लोन नहीं चुकाया ना, अगर समय पर तुमने उसका लोन नहीं चुकाया तो वो अपने हिसाब से वसूल कर लेगी, अपना हिसाब समझते हो ना? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? देखो जरा, फर्में घर घर जाकर पैसा नहीं मांगती, फर्में किसके पास जाकर पैसा मांगती है? बैंकों के पास। अब मुझे बताओ, फर्म ने खूब पैसा कमाया, खूब पैसा, उसका अच्छा उत्पादन हुआ, खूब माल बिका बाजार में, खूब पैसा कमाया, क्या फर्में बचत नहीं करती? तुम्हें मालूम है ना, बचत हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि बचत करना अच्छी बात है, सेविंग करना अच्छी बात है, फ्यूचर में तुम्हारे ही काम आता है वो पैसा। अगर आज का पैसा तुम बचत करोगे, सेव करोगे, तो कल को वो किसके काम आएगा? मेरे काम आएगा क्या? नहीं, वो तुम्हारे ही काम आएगा, ठीक है। तो हर आदमी अपने अपने लेवल पर क्या करता है? बचत करता है। कोई थोड़ी छोटी करता है तो कोई बहुत बड़ी करता है। तो बताओ ये भी बचत करेगा ना, और ये भी बचत करके पैसा क्या अपने पास रखेगा? नहीं। फर्में भी बचत करके पैसा किसके पास जमा करवाती है? बैंकों के पास। एरो समझ में आ रहे हैं? ये ऐसा डायग्राम है जो तुम्हें बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। बुक्स के अंदर टिपिकल फॉर्म में दे रखा है, उन्होंने इसके साथ आय का चक्रीय प्रवाह भी जुड़वा रखा है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें सेपरेट बनाकर दिखा रहा हूं, और बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीका। एरो का खेल समझो। देखो, फर्मों ने पैसा बचत करा और अपनी बचत किसके पास जमा करवा दी? बैंकों के पास। अब मुझे बताओ, परिवार क्षेत्र की बात करते हैं, इसको क्या लेना पड़ा था? उधार। किससे लेना पड़ा था? बैंकों से। क्लियर हो रहा है ना? फर्मों को अपना धंधा करने के लिए क्या लेना पड़ा था? उधार। और किससे लेना पड़ा था? बैंकों से। अब मुझे सोच समझ कर बताना, परिवार को जरूरत पड़ सकती है उधार की या नहीं? पड़ सकती है भाई, वो भी इंसान ही है, उसको हो सकता है एक घर खरीदना हो सकता है उसको कार खरीदनी हो सकता है अपनी लड़की की शादी करनी हो सकता है पढ़ाई के लिए उधार लेना हो सकता है खाने पीने के लाले हो, कुछ भी हो सकता है ना भाई। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार हम लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं। बैंकों से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। तो मुझे बताओ, बैंक क्या सिर्फ फर्मों को उधार देगा या हमें भी उधार देगा? हमें भी देगा भाई, हम भी बदले में क्या देंगे? ब्याज देंगे, तो वो हमें भी उधार देगा। तो देखो, बैंक ने किसको उधार दिया? परिवार को। यानी कि बैंक इतना अच्छा इंसान है,
हालांकि ये इंसान नहीं है और अच्छा तो ये बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं दोनों शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। ना तो बैंक अच्छा है और ना ही ये इंसान है, लेकिन फिर भी सुनो, बैंक इतना अच्छा इंसान है कि इसको भी उधार देता है, बदले में ब्याज वसूल करता है। बैंक परिवार क्षेत्रों को भी उधार देता है और बदले में ब्याज वसूल करता है, और देखो परिवार से बचत करके अपने पास रखता है और उस बचत को किसे निवेश करता है, फर्म को, फर्मों की बचत को अपने पास रखता है और उस बचत को किसे निवेश करता है, परिवार को। तो ये फर्मों और परिवार के बीच एक बिचौलिए का काम नहीं करता, किस चीज का काम करता है, मध्यस्थ का, किस चीज का काम करता है, मेडिएटर का। मेडिएटर मतलब बिचौला, मतलब ये परिवार और फर्मों के बीच में एक कड़ी का काम करता है, ये सिस्टम कहलाता है वित्तीय प्रणाली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। मुझे बताओ अगर बैंक नहीं होते तो कितना मुश्किल हो जाता है ना। तो जब बैंक नहीं थे तब बड़ी दिक्कत होती थी उत्पादन करने में, फैक्ट्रियों को खोलने में, सरकार की हेल्प लेनी पड़ती थी। अब सरकारी हेल्प की ज्यादा जरूरत नहीं है सिर्फ लाइसेंसिंग के अलावा, अब हम किसकी हेल्प ले लेते हैं, बैंक की। और मुझे बताओ वित्तीय प्रणाली में सिर्फ बैंक आते हैं क्या, बीमा कंपनी नहीं आती, बीमा कंपनी का भी तो यही काम होता है। तुम्हें मालूम है ना बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, तुमसे पैसा ले लेती है और पैसा रख के क्या उस पर बैठ जाती है, नहीं, उस पैसे को क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वेस्ट करती है, वो भी तो यही काम करती है। यानी कि बीमा कंपनी भी किसका हिस्सा है, वित्तीय प्रणाली का। तो ये मत सोचना सिर्फ मैंने बैंक लिखा है तो बैंक ही आएगा, बैंक तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, बीच में आएगा, बता देता हूं भी बीच में आएगा क्या, अभी डायग्राम बनाया तो होगा नहीं तुमने, है ना, बीच में आएगा ये वाला शब्द, देखो शॉर्ट मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं, बीच में आएगा ये वाला शब्द, देखो इधर, जब तुम डायग्राम बनाओ ना तब ये वाला शब्द बीच में लिखना, वित्तीय प्रणाली। इंग्लिश में होता है फाइनेंशियल सिस्टम, एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हो, बैंक। बैंक से मैंने इसलिए समझाया क्योंकि बच्चों को ज्यादातर फैमिलियर कौन सा शब्द होता है, बैंक, उन्हें बैंक के बारे में ज्यादा कुछ पता है। तो ये डायग्राम अभी मत बनाना, जब मैं बोलू तब बनाना, ठीक है। पहले एक हेडिंग डालो, देखो पहले एक हेडिंग डालो, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं हेडिंग बोल रहा हूं, इसलिए मैं हेडिंग बोल रहा हूं, लिखो दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। दो क्षेत्र मतलब देखो वट पे, परिवार फर्म है ना, दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणाली। अगर पेपर में आ जाता है ना कि दो क्षेत्रों के बीच में वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है, बोर्ड पे देखो, दो क्षेत्रों के बीच में वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है, तो तुम्हें ये डायग्राम बना देना है और अब मैं जो समझाऊंगा वो समझा देना है। पहले हेडिंग डाल दो, दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणाली। वित्तीय प्रणाली नीचे लिखा हुआ है, कैसे लिखते हैं, दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणाली का चक्रीय प्रवाह। दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणाली का चक्रीय प्रवाह, वित्तीय प्रणाली का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना लो, वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना लो, देखो वोट पे ये लाइन मत बनाना, देखो मैंने यहां पर बैंक को गायब कर दिया है ना, तुम्हें बैंक लिखना भी नहीं है, तुम्हें बैंक को लिखना भी नहीं है, तुम्हें क्या लिखनी है, वित्तीय प्रणाली, इस चीज को लिख देना यहां पर, वित्तीय प्रणाली, ठीक है। पहले डायग्राम नोट कर लो, वीडियो पोस्ट कर देना। हाँ मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने डायग्राम बना लिया होगा, लिखो अब डायग्राम के बाद फर्स्ट पॉइंट। पहले तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है कि वित्तीय प्रणाली होती क्या है। तो मुझे बताओ वित्तीय प्रणाली एक तरीके से मदद कर रही है ना, किसकी मदद कर रही है, परिवार की भी मदद कर रही है, फर्मों की भी मदद कर रही है, दोनों की मदद कर रही है, ठीक है। तो लिखो वित्तीय प्रणाली में, परिवार क्षेत्र अपनी आय का
परिवार क्षेत्र अपनी आय का परिवार क्षेत्र अपनी आय का कुछ भाग अपनी आय का कुछ भाग अपनी आय का कुछ भाग बचत करता है। बचत करता है मतलब बचा कर रखता है, तुम्हारी तरह नहीं 100 रुपए मिले तो सारे खर्च कर दिए। आय का कुछ भाग बचत करता है। वित्तीय प्रणाली में कई प्रकार के वित्तीय प्रणाली में कई प्रकार के मध्यस्थ होते हैं। मध्यस्थ लिख लोगे? अभी वैसे मैंने लिखा था, दोबारा लिख देता हूं। मध्यस्थ आधा धा आता है, गलती से पूरा बना दी है। मध्यस्थ वित्तीय प्रणाली में कई प्रकार के मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब बिचौलिए। मुझे बताओ इसमें क्या क्या आते हैं? बैंक आ जाता है, इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, कोई संस्था आ जाती है ना, कोई संगठन आ जाता है। बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं आजकल, लोगों का पैसा लेते हैं अपने पास रखते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन लीगल होना चाहिए, ये नहीं कि लोगों का पैसा ठग लिया और भाग गए, फिर ये गलत है। फिर वित्तीय प्रणाली में कई प्रकार के मध्यस्थ होते हैं, लिखो जैसे जैसे व्यापारिक बैंक, लिख लोगे व्यापारिक, ये लिख दूं? चलो जिन्होंने लिख लिया अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लिखा और भी अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें देखने को मिलेगा। जैसे व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक बोलते हैं इनको इंग्लिश में, ये सारे कमर्शियल बैंक है हमारे, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, एक्सिस बैंक, ये सब। वित्तीय प्रणाली में कई प्रकार के मध्यस्थ होते हैं, जैसे व्यापारिक बैंक, कॉमा, बीमा कंपनी समझते हो ना, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, प्रीमियम भरना पड़ता है इसके अंदर। व्यापारिक बैंक, कॉमा, बीमा कंपनी आदि, है ना, और भी कई सारे होते हैं आदि। ये मध्यस्थ बचतकर्ताओं, बताओ कौन है बचत करता? देखो वैसे तो फर्में भी बचत करती हैं, है ना, देखो बोर्ड पे, वैसे तो फर्में भी अपना पैसा बचा कर रखती हैं और परिवार भी अपना पैसा बचा कर रखता है, लेकिन मेनली कौन बचत करता है? ये है बचत करता, और ये कौन है? निवेश करता। ठीक है, ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और ये अपना पैसा बचा कर रखते हैं। तो लिखो आदि के बाद लिखो ये मध्यस्थ बचतकर्ताओं, बोर्ड पे लिखा हुआ है बचतकर्ताओं, बचतकर्ताओं उन्हें कहते हैं जो बचत को करते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है बचतकर्ता। सेवर बोलते हैं इनको इंग्लिश में, सेवर मतलब जो पैसा सेव करके रख रहे हैं, सेवर्स। बचतकर्ताओं जो बचत करते हैं, और निवेशकर्ताओं जो निवेश करते हैं। निवेशकर्ता ये है फर्म, ये अपना पैसा खर्च करेगा, और ये है बचतकर्ता, ये अपने पैसे को बचा कर रखेगा बैंकों में जमा करने के लिए। ठीक है, ये मध्यस्थ बचतकर्ताओं तथा निवेशकर्ताओं के बीच का, मुझे बताओ बचतकर्ता निवेशकर्ता, बचतकर्ता निवेशकर्ता, इन दोनों के बीच में कड़ी का काम कौन कर रही है? वित्तीय प्रणाली, जैसे कि हमारा बैंक। ये मध्यस्थ बचतकर्ताओं तथा निवेशकर्ताओं, निवेशकर्ताओं लिख लोगे ना, बचतकर्ताओं तथा निवेशकर्ताओं के बीच कड़ी का काम करते हैं। कड़ी, कड़ी कभी खाई है? के बीच कड़ी का काम करते हैं मतलब उनको जोड़े रखते हैं। अगर बीच में से बैंक हटा दिया जाए तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कितनी दिक्कत हो जाएगी, है ना, बिना बैंकों के धंधा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
निवेशकर्ताओं के बीच कड़ी का काम करते हैं। निवेशकर्ताओं के बीच कड़ी का काम करते हैं। देखा, पहले डायग्राम बन जाता है ना तो बच्चों को ज्यादा क्लियर हो जाती हैं बातें। डायग्राम अगर पहले से बन जाता है तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। अब एक डॉट बना दो, लिखो वित्तीय प्रणाली की विशेषताएं। ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो है बस। लिखो पहली विशेषता, एक डॉट बना के सब हेडिंग बना देना। तो बताओ, परिवार क्षेत्र की सारी बचत अपने पास रख लेता है और किसको देता है? फर्मों को, जरूरत के हिसाब से, जब वो मांगते हैं। ये नहीं कि जबरदस्ती दे देते हैं, ये लो पैसा, है ना। और इसी तरह से फर्मों की बचत को भी अपने पास रख लेता है और किसको उधार दे देता है? परिवार को, है ना। तो दोनों की हेल्प करता है और दोनों की बचत को अपने पास सेव करके रखता है। तो लिखो ए पॉइंट में, सॉरी फर्स्ट पॉइंट में लिखो, परिवार क्षेत्र की सारी बचत वित्तीय बाजार में जमा होती है। वित्तीय बाजार मतलब बैंक, बीमा कंपनी या कोई संस्था या और भी बहुत सारे लोग, है ना। परिवार क्षेत्र की सारी बचत वित्तीय बाजार में जमा होती है ना। वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। परिवार क्षेत्र की सारी बचत वित्तीय बाजार में जमा होती है, ठीक है। अब लिखो सेकंड पॉइंट, दूसरी विशेषता, और बताओ वित्तीय बाजार ये सारी बचत अपने पास सिर्फ रखेगा या लोगों को उधार देना शुरू करेगा? लोगों में फर्म आ जाती हैं, फर्मों को ये क्या करते हैं? उधार करते हैं। तो लिखो नंबर टू में, वित्तीय बाजार इन बचतों को, वित्तीय बाजार इन बचतों को निवेशकर्ताओं को ब्याज पर देते हैं। इन बचतों को निवेशकर्ताओं को ब्याज पर देते हैं, है ना। फ्री में नहीं मिलता, ब्याज पर मिलता है, ब्याज पर देते हैं। किस पर देते हैं? ब्याज पर, मतलब बदले में वो ब्याज मांगते हैं। भाई सीधी बात है, तुम्हें पैसा दे रहे हैं तो फोकट में थोड़ी ना देंगे, मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं मार्केट के अंदर बैठकर, ठीक है। धंधा कर रहे हैं, बहुत ही बड़े लेवल का क्या कर रहे हैं? धंधा, चोरी चपाटी नहीं कर रहे तुम्हारी तरह। सिंपल सा एग्जाम्पल पूछूंगा और मुझे मालूम है बिना समझाए, बिना समझाए सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब देंगे, सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब देंगे ही देंगे। टंकी देखी है पानी की? देखी होगी, ऐसी बात तो है नहीं, है ना। मैं पूरी तरह से तो सही बना नहीं पाऊंगा भाई, सीधी बात है। कभी तुम सोचो इसमें से निकाल के पानी पी ले, है ना, तो ये मत सोचना, रफली बना रहा हूं। मान लो इस टंकी के अंदर क्या भरा हुआ है? भाई पानी होता है गरीब लोगों के यहाँ पर, तो जूस तो अमीर लोग रखते हैं इसके अंदर। हम लोग क्या रखते हैं भाई? पानी, है ना। तुम लोग तो जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, दूध वगैरह भरते होंगे, है ना। चलो क्या, अब इस टंकी में देखो, गरीब वाली बात हो रही है, इस टंकी में छोटा सा क्या हो गया है यहां पर? क्या हो गया? ये छेद हो गया इस टंकी में, यहां पर छोटा सा क्या हो गया? छेद हो गया। क्या करे भाई, गरीबी हालत में
कुछ भी हो सकता है, इंसान के पेट में छेद हो जाए तो टंकी है फिर भी, है ना। तो यहां पर छेद हो गया। अब मुझे बताओ, जब छेद हो गया तो छेद में से धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी निकलेगा, पानी निकलेगा और एक समय ऐसा आएगा, मुझे बताओ इसके अंदर से पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, सोच समझ कर बताना। अगर इसके अंदर से पानी धीरे धीरे निकलता रहे निकलता रहे, तो पानी इसके अंदर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना भाई। कोई इकोनॉमिक्स वाली बात नहीं है, साइंटिफिक बात है तो, है ना। और इतनी साइंस तो मैं मालूम है, जब इसमें से धीरे धीरे पानी निकलेगा, चाहे बूंद बूंद करके ही निकले, तो धीरे धीरे इस टंकी में पानी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। धीरे धीरे पानी क्या होता चला जाएगा, कम। इस चीज को बोलते हैं इंग्लिश में लीकेज। क्या बोलते हैं? लीकेज। समझ रहे हो ना क्या बोला जाता है? लीकेज बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर पानी नहीं था, इसके अंदर पानी नहीं था, इसके अंदर क्या भरा हुआ था? पैसा। दुनिया भर का क्या भरा था? पैसा। अब ये मैं सोच रहा टंकी में पैसा ही क्या बात हुई, अब मैं इकोनॉमिक्स बताऊंगा, अब मैं क्या अप्लाई करूंगा इकोनॉमिक्स। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ था? पैसा। और यहां पर फिर से एक छेद हो गया। अब ये मत सोचना छेद में से पैसा तो निकलता नहीं है, पानी की तरह सोचो, पानी की तरह बताओ इस छेद में से धीरे धीरे क्या निकलने लगेगा? पैसा, थोड़ा थोड़ा करके, है ना, एक एक दो दो रुपए करके, 100 100, 200 1000, 500 कर करके धीरे धीरे यहां से क्या निकलने लगेगा? पैसा निकलने लगेगा। मुझे बताओ इस टंकी के अंदर से धीरे धीरे पैसा क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा ना। और ये जो छेद है ना, इस छेद को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है सेविंग। अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, अब मैं इस डायग्राम को हटाता हूं, ठीक है। जो चीज मुझे समझानी थी ना, वो मैंने समझा दी है। अब कमाल देखना इस डायग्राम का, मुझे मालूम है अभी अभी तुम्हें इस डायग्राम को ज्यादा कोरिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। लेकिन इस डायग्राम से जो चीज मुझे बतानी थी, तुम्हारे दिमाग में डालनी थी, वो मैं डाल चुका हूं और तुम्हें पता भी नहीं चला, ठीक है। अभी देखना इस डायग्राम को हटाते ही जो शब्द मैं बोलूंगा, देखो इस डायग्राम का क्या कमाल है, ठीक है। पहले इसको हटा देते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं एक बंदा बचत करता जा रहा है, लगातार बचत करे जा रहा है, क्या करे चला जा रहा है? सेव, सेविंग कर रहा है वो, करे चला जा रहा है, करे चला जा रहा है, करे चला जा रहा है, खर्च नहीं कर रहा बंदा, बहुत ही कंजूस इंसान है भाई तुम्हारी तरह, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या करता रहता है? बचत करता है। और कमाल की बात देखो, यूं कह रहा है बचत करके अपने पास रखूंगा, बैंकों को भी नहीं दूंगा। इतना बड़ा मूर्ख इंसान है, कंजूस तो है ही, साथ ही साथ मूर्ख भी है, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है ना, बचत करके अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं होता। तुम सिर्फ उस पर बैठ सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ना तो तुम उस पैसे को खर्च कर रहे हो और ना ही तुम उस पैसे को बैंक में जमा करा रहे हो, तो भाई कमाते क्यों हो? सजाने के लिए इसको। तो वो बंदा बचत करता रहता है, बचत करता रहता है, बचत करता रहता है। अब इसको देख देख के देश के सारे लोग क्या करने लगे? बचत करने लगे कि भाई ये बचत कर रहा, कुछ तो बात होगी, क्योंकि तुम्हें मालूम है एक बंदे को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, ये काम करता ही करता है। मुझे बताओ, अगर देश का हर एक व्यक्ति बचत करने लगे, खर्च ना करे, मैं कह रहा हूं खर्च ना करे, सिर्फ और सिर्फ क्या करे? अब ये मत कहना ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, ये भी बात मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो टॉपिक पढ़ाना है, मुझे बहस नहीं करनी रियल में, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे लोग बचत करें, ये बात मुझे भी मालूम है कोई ऐसा नहीं करता, ठीक है। लेकिन मुझे टॉपिक समझाना है, टॉपिक समझाने के लिए मुझे जो बातें बतानी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको देखकर सारे लोग देश के क्या करने लगे? बचत करने लगे, तो मुझे बताओ देश की अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी होगी या नहीं होगी? पैसे का मतलब है आय, रुपए, मुद्रा, मनी। बताओ इकोनॉमी के अंदर मनी की कमी होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? कमी जरूर होगी, देखो कैसे। मुझे बताओ इस बंदे ने 1000 कमाए, 1000 के 1000 बचा के रख लिए अपने पास, इसको देखकर 10 लोगों ने, 500 लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने पैसे अपने पास ही रख लिए, खर्च ही नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर चीजों को खरीदने के लिए, चीजों को इस्तेमाल करने के लिए खर्च ही नहीं कर रहे, बचत करके रख रहे हैं। उनका पैसा कहां पर है? उनके पास है। क्या अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी होगी या नहीं होगी?
पैसे की कमी हो जाएगी, तो बचत करने की वजह से पैसे की कमी हो जाती है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में लीकेज। इसको क्या बोला जाता है? लीकेज बोला जाता है। यानी कि लीकेज का एक एग्जाम्पल क्या हो गया? बचत। समझ में आई बात? लीकेज का एक एग्जाम्पल क्या हो गया? बचत। अब इसके अलावा एक और सुनो, बचत के अलावा वो बंदे क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। उपभोग समझते हो ना? चीजों को खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताओ, जब वो खरीद रहे हैं, जब वो खरीद रहे हैं तो उनका पैसा कहां पर जा रहा है? इकोनॉमी के अंदर, है ना। देखो, मैं बाजार से ये 10 रुपए का मार्कर लेकर आया, मेरे 10 रुपए दुकान वाले के पास चले गए, दुकान वाले ने वो पैसे किसी और में खर्च कर दिए, मेरे पैसे वहां चले गए, मेरे पैसे देश के अंदर चले गए ना, अर्थव्यवस्था के अंदर चले गए। मेरे को देखकर 10 लोगों ने और मार्कर खरीदे, उनके भी पैसे चले गए, पूरे देश के लोगों ने मार्कर खरीदे, उनका पैसा कहां पर चला गया? अर्थव्यवस्था में। मुझे बताओ, उपभोग की वजह से आय बढ़ेगी ना लोगों की, पैसा बढ़ेगा, ये चीज कहलाती है इंजेक्शन। ये चीज क्या कहलाती है? इंजेक्शन। इंजेक्शन समझते हो? मुझे बताओ, जब डॉक्टर हमारी बॉडी में इंजेक्शन लगाता है तो हमारी बॉडी के अंदर वो दवाई इंजेक्ट कर देता है ना, हमारी बॉडी में दवाई की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही समझो, इंजेक्शन में मैं बात कर रहा हूं उपभोग की, और उपभोग का मतलब चीजों को खरीदना, इस्तेमाल करना, खरीदना, इस्तेमाल करना, और खरीदना मतलब खर्च करना। यानी कि इंजेक्शन की वजह से आय बढ़ती है, और बचत की वजह से, लीकेज की वजह से आय कम होती है ना। लीकेज को बोलते हैं हिंदी में, मैंने जानकर हिंदी के शब्द नहीं बताए थे क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा अजीब सा, हिंदी से समझ ही नहीं आता। हिंदी में बोलते हैं लीकेज को शरण। अब ये मत कहना शरण क्या चीज है ना, लीकेज होता है। लीकेज तुम समझ गए होंगे, लीकेज मतलब देखो, लीकेज तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, लीकेज की वजह से पानी की कमी हो रही थी ना, लीकेज की वजह से किस चीज की कमी होगी? आय की। लीकेज की वजह से किस चीज की कमी होगी अर्थव्यवस्था में? पैसे की। लीकेज की वजह से किसकी कमी होगी अर्थव्यवस्था में? मनी की। अब इसी के अपोजिट इंजेक्शन है, लीकेज की वजह से कमी हो रही है तो इंजेक्शन की वजह से वृद्धि होती है ना। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिखो शरण तथा भरण, शरण तथा भरण, उसमें इनको ना इंग्लिश में भी लिख लेना। इनको इंग्लिश में भी लिख लो, लीकेज एंड इंजेक्शन, है ना, क्योंकि ये वाले शब्द उससे ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। लिखो नंबर 1, पहले मैं किसके बारे में लिखाऊंगा? शरण। ब्रैकेट में लिख लेना वापसी। शरण को इस नाम से भी जाना जाता है, वापसी। कहते नहीं, मेरा पैसा मुझे वापिस करो, सूद समेत, है ना, बोलते हैं ना। लिखो, तो मुझे बताओ लीकेज, लीकेज की वजह से पैसे की कमी होती है ना, जैसे कि तुम्हारा बचत करना, जैसे कि तुम्हारा बचत करना। मुझे बताओ आयत का मतलब समझते हो? आयत इंग्लिश में बताऊं, इंग्लिश में बोलते हैं इंपोर्ट करना। इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों से चीजों को खरीदना। मुझे बताओ, जब हम अमेरिका से कुछ खरीदेंगे तो यहां का पैसा कहां पर चला गया? अमेरिका में। चीजों को खरीदा, मैंने इस मार्कर को कहां से मंगवाया? अमेरिका से मंगाया। फॉर एग्जाम्पल, $15 का मैंने ये मार्कर अमेरिका से मंगवाया, मेरे $15 के रुपए कहां पर चले गए? अमेरिका में। हमारे देश का पैसा दूसरे देश में चला गया आयत की वजह से। आयत ही तो कहलाता है ये इंपोर्ट करना, आयत ही तो कहलाता है। तो बताओ, अपने देश में पैसे की कमी होगी या नहीं होगी? अपने देश का पैसा अगर दूसरे देश में जा रहा है तो अपने देश में पैसे की कमी होगी या नहीं होगी, ये बताओ भाई। कमी नहीं होगी, अपने देश का पैसा दूसरे देश में चला गया आयत की वजह से, लेकिन लेकिन निर्यात की वजह से? निर्यात की वजह से नहीं हुआ। निर्यात की वजह से क्या हुआ? दूसरे देश का पैसा अपने देश में आया, पैसा बढ़ गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इंजेक्शन का।
और इसकी वजह से पैसे की कमी हो गई, ये किसका एग्जाम्पल है? लीकेज का, है ना। इसकी वजह से लीकेज हो रही है, हमारा पैसा दूसरे देश में चला गया, अपने देश में कमी हो गई। निर्यात की वजह से, एक्सपोर्ट की वजह से दूसरे देश का पैसा अपने देश में आया, अपने देश में पैसे की वृद्धि हो गई, इंजेक्शन। समझ रहे हो ना। लिखो अब वापसी में शरण की डेफिनेशन। लिखो लिखो, शरण उसे कहा जाता है जिसके कारण, शरण कहते नहीं मैं तेरी शरण आ गया, शरण उसे कहा जाता है जिसके कारण आय का प्रवाह कम हो जाता है। मतलब लोगों की क्या कम हो जाती है? आय। जिसके कारण आय का प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण आय का प्रवाह कम हो जाता है। प्रवाह लिख लोगे ना, अब तो ये शब्द कितनी बार आ गया, जैसे चक्रीय प्रवाह वाला प्रवाह। आय का प्रवाह कम हो जाता है, लिखो जैसे बचत, जैसे बचत कॉमा, ये लिख लो बोर्ड पे लिख रखा है मैंने, आयात, आयत है ना, इंपोर्ट करना। जैसे बचत कॉमा आयत कॉमा, बताओ सरकार अगर टैक्स लगा देगी तो हमारा पैसा किस पर चला गया? गवर्नमेंट पर। अगर सरकार हमारी इनकम पर क्या लगा दे? टैक्स लगा दे, कर लगा दे, तो हमारा पैसा कहां पर चला गया? गवर्नमेंट के पास। तो क्या देश के अंदर वो पैसा रहा? नहीं, सरकार के पास चला गया। लिखो बचत कौमा आयत कौमा सरकार द्वारा लगाए गए कर, सरकार द्वारा लगाए गए कर, टैक्स है ना। गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स लगाती है भाई, टैक्स ही मत लिख देना, टैक्स। अब लिखो नंबर टू। नंबर टू इंजेक्शन। इंजेक्शन को बोला जाता है भरण, भर रहा है ये पैसा। शरण, ये शरण रहा है पैसा। भरण का भी एक नया नाम है समावेश। कौन सा वेश? समा। लिखो समावेश। भरण उसे कहा जाता है जिसके कारण आय का प्रवाह, भरण उसे कहा जाता है जिसके कारण आय का प्रवाह बढ़ता है, जिसके कारण आय का प्रवाह बढ़ता है, आय का प्रवाह बढ़ता है। जैसे निवेश है ना, निवेश करते हैं तो लोग पैसा खर्च करते हैं निवेश में। जैसे निवेश कौमा निर्यात, निर्यात अभी मैंने लिखा था बोर्ड पे, निवेश निर्यात कौमा उपभोग, उपभोग भी बताया था ना मैंने, खर्च करना। किसी भी तरह का खर्च यहां पर आ जाता है कुल मिलाकर, है ना, किसी भी तरह का खर्च यहां पर आ जाता है, उपभोग आदि। और भी कई सारे एग्जाम्पल इसके बन सकते हैं, उपभोग आदि। तो इस तरह के अगर हम खर्च करते हैं तो ये कहलाता है भरण। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या।